थाना सदर क्षेत्र के बिंदु कटरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत कोचिंग के लिए गई 12वीं क्लास की छात्रा अचानक से लापता हो गई। परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब छात्रा शाम को अपने घर नहीं पहुंची। परिजनों ने तत्काल थाने में सूचित किया, जिसके बाद परिजन और स्थानीय पुलिस द्वारा छात्रा की तलाश जारी है। लापता छात्रा के पिता भूरी सिंह ने बताया कि उनकी बेटी पास ही के कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए जाती थी। रोजाना की तरह वह कल भी कोचिंग के लिए निकली, लेकिन कोचिंग नहीं पहुंची। परिजनों को छात्रा के कोचिंग ना पहुंचने की जानकारी तब हुई जब छात्रा को शाम को अपने घर पर नहीं लौटी। मेरी लड़की यहाँ से कोचिंग गई थी 4 बजे, उसके बाद में 7 बजे उसे कोचिंग आना था। वापस घर के लिए? हाँ, वो 7 बजे नहीं आई तो मैंने सर के लिए फ़ोन लगवाया, तो सर ने कही वो कोचिंग नहीं आई है। हाँ, तो मैंने उसकी फ्रेंड वैंड के पास में पूछा था कि यहाँ पे है क्या पे, तो उनने कही हमारे यहाँ किसी के जा नहीं है। तो जैसे ही किसी ने बताई कि जैसे माइकल के साथ गई, माइकल ले गया। माइकल कौन था? ये कोई पड़ोस में रहता लड़का। अच्छा, हाँ जी। तो कहाँ पर ले गया, कुछ पता चला था? नहीं, उसके बाद में इससे कुछ जैसे हम आए यहाँ पर तो उसने कही थी क्या नाम है जी, मैंने घर पर छोड़ दी लड़की। हाँ, उसके बाद में उसने कही कि मैं राय पर चले जाऊँ क्लम्प में। क्लम्प में गई तो क्लम्प में भी नहीं थी। तो कहाँ पर गई थी, कुछ बताया था किस जगह पर गई थी? नहीं, हमको कुछ नहीं और बताया, हमको तो यही बताया था उसने कि हमारे घर से हम कोचिंग गई बस। बताया जा रहा है वो बता रहा है लड़का। हाँ, तो वो ही बता रहा है लड़का, वो नहीं बता रहा हमें। हाँ, लड़का बता रहा है ये साथ। तो पुलिस ने कुछ बात आई सामने, कुछ बताया उसने मेरे साथ? हाँ बताई, हाँ मेरे साथ थी, मैं ले गया हूँ। अच्छा, तो कितने बजे की बात है ये रात शाम की घटना जब पुलिस ने? 10 बजे करीब, रात को 10 बजे। हाँ, इसको अरेस्ट कर लिया। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी रोजाना अपने तय समय से 7 बजे तक घर आ जाती, लेकिन जब वह समय से घर नहीं लौटी तो परिजनों ने कोचिंग संचालक को फोन कर छात्रा के बारे में जानकारी ली, तो पता चला कि आज छात्रा कोचिंग आ ही नहीं है, जिसके बाद परिजनों ने सभी रिश्तेदार दोस्त और आसपास रहने वाले लोगों से जानकारी ली, लेकिन कोई भी छात्रा के बारे में जानकारी नहीं दे सका। लड़की घर से कोचिंग गई थी, घर वालों को तो जो कायदे से रोजाना आती थी उसी हिसाब से देखा गया तो लड़की घर पर नहीं आई। जब उसके बाद पूछताछ की गई तो पता चला कि ये माइकल के साथ लड़की देखी थी। उसके बाद माइकल को पकड़ा गया तो माइकल सब कुछ बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा लड़की कहाँ, ये नहीं बता रहा है। तो रात को कितने बजे की बात है ये? रात है करीबन 9 साढ़े 9 की, लगभग 8 बजे तक तो तलाश की हमने। तो पुलिस ने FIR ली आप लोगों की या नहीं? हाँ, FIR तो ली, भागदौड़ भी क्यों ली पुलिस ने, ऐसी मतलब कोई लापरवाही नहीं की। रात को भी 2-4 बार गए हैं, फिर हमने यहाँ थाने में भी की है, पुलिस ने कार्रवाई की है। रात को भी 2-3 बार गाड़ी गई, मोटरसाइकिल भी गए, जवान भी गए, पकड़ के भी लाए, उसको ले भी गए जगह जगह। मतलब यही नहीं बता रहा है? इसने अभी कहा था कि हम 3-4 लड़के थे, 7 लाए थे, लड़की ने ये कहा था कि मैं घर नहीं जाऊंगी, ये झूठ बोल रहा था, घर नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा तू कहाँ जाएगी, तो इन लड़कों के साथ चली जा तू। और इन लड़कों को पूछा जाए ये 4 लड़के आए कि वो कहाँ ले गए, माने कि ये मेरी मौसी का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरे पड़ोस का लड़का है। सारी हकीकत ही इसको पता है कि लड़की कहाँ, या तो उसने अंटर में या इसने मार दिया, कुछ भी कर। कभी नहीं, कभी नहीं। ये तो सब क्लास में पढ़ती थी लड़की, 12वीं पढ़ रही है। तो ये तो सब यही बता सकता है, पुलिस ने भी जो अपना जो कर्तव्य होता है उससे भी काम लिया है। पर लेकिन अभी ये सारी बातें नहीं उगल रहा है, उगलवाने के लिए तो प्रशासन के लिए तो बहुत ही बड़ी सहूलत होती है कि जो पकड़ सके उसको उगलवा सके। यही पुलिस ये प्रशासन चाहे तो इसे 24 घंटे क्या लगेगा, 10 घंटे के अंदर में ही यहाँ लेके आ जाएंगे, या मुर्दा या जिंदा। पुलिस काम नहीं कर रही? नहीं, काम तो कर रही है। अभी वो लेके आए तो काम नहीं कर रही तो क्या करेगी? वहाँ से लेके आइए, थाना से लेके आइए, यहाँ आइए चौकी पर। उन्होंने कहा लाइए उन लड़कों को, तो वो लड़के भी आ गए, और ये तो पता पड़ेगा आगे का क्या कार्रवाई कर रही है, अभी तो कर रही है। जिसके तुरंत बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर सदर जितेंद्र कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, तो वहीं कुछ लोगों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया।